स्मेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। सूखी पड़ी नहरें किसानों के लिए चिंताजनक। जी हां, उत्तर प्रदेश के बसरावा रायबरेली, एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से दुनिया परेशान हलकान है, दाने दाने को त्रस्त मजदूर गरीब किसान सरकार के मेहरबानी पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ अपनी फसलों को लगाने वाले किसान सूखी पड़ी नहरों को देखकर चिंतित हैं। क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि धान की बेल लगाने व पिपरमिंट की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है, तो नहरों में पानी ही नहीं है। समय से नहरों में पानी न आने के कारण फसलें भी प्रभावित हो गई है। पिछले गेहूं की फसल अधिक बारिश होने के कारण बहुत अच्छी नहीं हुई, किसानों का बहुत नुकसान हुआ। वही लगभग 3 महीने से लॉकडाउन की स्थिति में घर में जो बची धनराशि थी वो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। एक एक रुपए को तरसते किसान की भविष्य की चिंता सता रही है। विभाग की लापरवाही के चलते समय से नहरों में पानी न आना चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरी चिंता इस विषय पर है कि पाकिस्तान की ओर से आई टिड्डियों से अधिकांश किसान टिड्डियों के आतंक से अभी भी भयभीत होते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है अभी देश कि लगभग 6 राज्यों में टिड्डियों ने अपना आतंक फैला रखा है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के लगभग 15 जिले शामिल हैं। इसलिए किसानों को टिड्डियों का भय भी सताना स्वाभाविक है। फिलहाल सरकार द्वारा इस आपदा से निपटने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जब आफत आती है तो बहुत कुछ अपने साथ मिटा कर ले जाती है। हालांकि अभी किसानों की मूलभूत आवश्यकता नहरों में पानी की है, जिसे विभाग को अतिशीघ्र पूरी करते हुए नहरों में पानी छोड़ना चाहिए। रायबरेली से हमारे संवाददाता मोनू सिंह की रिपोर्ट।